News 18, India. बस बीजे को और बहुत बड़ी खबर आ रही है। संदेश खाली में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देर रात से ही यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस वालों को संदेश खाली बुलाया गया है, वहां पर उनकी तैनाती कर दी गई है। हर दिन के मुकाबले संदेश खाली में पुलिस की संख्या और ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संदेश खाली में देर रात भारी संख्या में पुलिस वालों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेटिंग आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी जो है लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, इंसाफ को लेकर महिलाएं जो है अपनी पीड़ा को बयां कर रही हैं, और ऐसे में अब पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर बड़ी संख्या में कर दी गई है। आपनों का जत्था दिल्ली न पहुंच सके। इसी बीच एमएसपी की मांग पर किसान नेता राकेश टिकैत का संगठन भी मैदान में उतर आया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ट्रैक्टर रैली निकाली। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले, और मुजफ्फरनगर में तो वो एक ट्रैक्टर लेकर एसएसपी दफ्तर के परिसर में ही घुस गए। इस ट्रैक्टर के एसएसपी दफ्तर के परिसर में घुसने से पहले पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। पुलिस वाले गेट बंद करके खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही किसानों ने ट्रैक्टर अंदर लाने की कोशिश की, उन्होंने उसे रोका। पुलिस वालों ने पूरा दम लगाया, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार किसान नहीं रुके। आखिरकार पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा और ट्रैक्टर पर सवार किसान नारे लगाते हुए परिसर में दाखिल हो गए। मुजफ्फरनगर में ये प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने किया, और दिल्ली के पास हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन किया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में भी किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने इस रैली का ऐलान पहले ही किया था, इसलिए कई जगह पर ट्रैफिक रूट बदल दिया गया था, क्योंकि राकेश टिकैत के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर ट्रैक्टरों की लाइन लग गई। यहाँ पर लाइन से ट्रैक्टर लगे हुए, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लगे हुए हैं, और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी और किसान पहुंचे हुए हैं। यानी एक तरफ दिल्ली के पास हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया, और दूसरी तरफ दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क से निकले ये ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट की ओर गए। इनकी संख्या अच्छी खासी थी और दूर दूर तक केवल ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आए। इन किसानों ने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्हें रैली करने से रोका गया तो वो सीधा दिल्ली रवाना हो जाएंगे। यानी दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस की चुनौती बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली कूच करने पर अड़ गए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के किसान भी सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के शामली में तो वो पूरी तैयारी से कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और वहां धरना दिया। शामली में भी किसान ट्रैक्टर से कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और फिर नारे लगाते हुए आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर रैली निकाली। वहां खुद राकेश टिकैत प्रदर्शन का हिस्सा बने और एमएसपी के मुद्दे पर खुली चुनौती दे डाली। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आंदोलन चलते रहेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच 23 फसलों को एमएसपी की गारंटी देने पर पेच फंसा हुआ है। किसान आंदोलन के 9वें दिन हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद चंबू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने जैसे ही हरियाणा की तरफ कूच किया, पुलिस एक्शन में आ गई। किसानों के जत्थे को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर बिना देरी किए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए, और हरियाणा पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आंसू गैस के गोलों की झड़ी लगा दी। वहां दागे गए आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारी किसानों के बीच किसी बम की तरह फटते नजर आए। जमीन से टकराते ही वहां न सिर्फ बेहिसाब धुआं उठा, बल्कि आंसू गैस के गोलों के फटने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। पुलिस के इस एक्शन को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई। किसानों और पुलिस के बीच के इस टकराव की वजह से शंभू बॉर्डर दो देशों के बीच मौजूद किसी सरहद की तरह दिखाई दिया, क्योंकि एक तरफ हजारों की संख्या में किसान दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे, तो दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालात तब बेकाबू हो गए जब किसानों का जत्था बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड की तरफ बढ़ता दिखा। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भगदड़ मच गई। वहां से आई एक तस्वीर में आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग भागते हुए नजर आए। हालांकि इसके बाद भी वहां कुछ प्रदर्शनकारी खड़े रहे और इस दौरान उनके आसपास आसमान से आंसू गैस के गोले गिरते रहे, और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने जान पर खेलकर उस पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद किया।
वहां आसमान से पुलिस के दागे गए आंसू गैस के गोले बम की तरह गिरते रहे और उनसे बचने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के बीच कोहराम मच गया। और इस भयानक मंजर को देखने के बाद लोगों की सांसें अटक गईं, क्योंकि किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने संदेश खाली मामले से जुड़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली का दौरा करेगी। राष्ट्रीय एसटी आयोग के उपाध्यक्ष अनंत नायक कल कोलकाता पहुंचे हैं और आज वो संदेश खाली का दौरा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़े इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी संदेश खाली का दौरा करेगी। के दर्जनों गोले दाग दिए। प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आसमान से एक के बाद एक कई गोले गिरते दिखे। बम की तरह फटते इन गोलों के बीच कई प्रदर्शनकारी किसान फंस गए। जान बचाने के लिए उन लोगों ने वहां से दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागने का सिलसिला नहीं थमा। इस दौरान वहां मौजूद न्यूज 18 की टीम ने जान पर खेल कर इन खतरनाक तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है, हम आगे आके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। प्रदर्शन कर रहे लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। तभी एक आदमी के पास आंसू गैस का गोला गिरा और उसकी वजह से आसपास मौजूद लोग कांप गए। हालांकि वो आदमी वहां से निकल गया, लेकिन आंसू गैस के दर्जनों गोले गिरने की वजह से वहां हाहाकार मच गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो एक बार फिर बैरिकेड की तरफ बढ़ गए। और इस बार प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर तैनात हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पंजाब पुलिस ने ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले गिराए। पंजाब की तरफ से शंभू बॉर्डर की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में आंसू गैस के गोले गिरने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों में हड़कंप मचा दिखाई दिया। शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और आप देखेंगे कि मेरे दोनों तरफ वो रास्ता है जो हरियाणा की सीमा की ओर जाता है पंजाब से। फिलहाल यहां पर लगातार आंसू गैस के गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से निकलने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन वहां भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग चाहकर भी वहां से नहीं निकल पाए। जानकारी के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आए 12,000 से ज्यादा किसान डटे रहे। इसी वजह से शंभू बॉर्डर प्रदर्शन कर रहे किसानों से खचाखच भरा दिखाई दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आई। जमीन पर किसानों का जत्था हरियाणा में दाखिल होने के लिए उतावला दिखा, जबकि आसमान से ड्रोन की मदद से पुलिस की टीम ने उन पर नजर बनाए रखी ताकि प्रदर्शनकारी किसानों के किसी भी पैंतरे का वक्त रहते जवाब दिया जा सके। इसी बीच कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुट गए और उन्हें आगे बढ़ता देख हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर उन पर एक्शन शुरू कर दिया। हरियाणा की सीमा में किसानों को घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हाहाकार मच गया। आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से भाग खड़े हुए। चंद सेकंड के अंदर ही किसानों का पूरा जत्था तितर बितर हो गया। पुलिस के इस एक्शन से पहले कई किसान नेता गैस मास्क पहनकर पुलिस बैरिकेड की तरफ बढ़ते नजर आए। किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग उनके साथ आगे बढ़ते दिखे। किसान नेताओं को आंसू गैस के गोलों से बचाने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी शील्ड भी पकड़े नजर आए, लेकिन जैसे ही किसानों का जत्था आगे की तरफ बढ़ा